नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारत योजना पे। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी वैकेंसी 2024 के बारे में। तो आप यहाँ कब से कब तक अप्लाई कर पाएंगे, टोटल वैकेंसी यहाँ कितना रखा गया है, क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है, वो सब हम एक एक करके आपको यहाँ पे बताएंगे। तो अगर आपको इसका नोटिफिकेशन देखना है तो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना होगा। आने के बाद आपका इस प्रकार से होम पेज खुल जाएगा। होम पेज खुलने के बाद आपको होम पेज में ही नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ आइएगा, आपको यहाँ पे लेटेस्ट वैकेंसी मिलेगा। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ नोटिस बताई गया। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आप अपने हिसाब से डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से नोटिफिकेशन देख सकते हैं। मुजफ्फरनगर, शामली, इटा, चित्रकूट, यहाँ पे सारा डिस्ट्रिक्ट जितना भी है यूपी के अंदर सभी के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किया गया है। संभल, अमोरा, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सीतापुर, तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उसमें क्लिक कर दीजिए। हम जैसे अभी एक ही डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता रहे हैं, मुजफ्फरनगर का यहाँ पे खोले हुए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपका परियोजना का नाम, ग्रामीण शहरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पदों की संख्या। बागरा के लिए यहाँ पे 20 रखा गया, बुढ़ाना के लिए 29, चरथावल के लिए 15, जानसठ के लिए 67, खतौली के लिए 20। तो टोटल यहाँ मुजफ्फरनगर के लिए 287 वैकेंसीज हैं। यहाँ से मैं एक एक करके डिस्ट्रिक्ट नेम वाइज आपको टोटल वैकेंसी बताऊंगा, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, एक एक करके ध्यान से देखिएगा। जैसे आगरा के लिए 482 वैकेंसीज हैं, अलीगढ़ के लिए 499, अम्बेडकर नगर के लिए 350, अमेठी के लिए 469, अमरोहा के लिए 142, औरैया के लिए 321। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आप ध्यान से देखिएगा। अयोध्या के लिए 218, आजमगढ़ के लिए 461, बागपत के लिए 199, बहराइच के लिए 632, बालिया के लिए 77, बलरामपुर के लिए 388, बांदा के लिए 210, बाराबंकी के लिए 420। यहाँ पे एक एक करके आप देख सकते हैं, मैं सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पे बताया हूँ। महाराजगंज के लिए 318, महोबा के लिए 163, मथुरा के लिए 334, मऊ के लिए 208, मेरठ के लिए 298, मिर्ज़ापुर के लिए 312, मुरादाबाद के लिए 104, मुजफ्फरनगर के लिए 295। आपका यहाँ पे एज लिमिट बताया गया है, मिनिमम जो है कम से कम आपका 18 साल होना चाहिए यहाँ अप्लाई करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 35 साल रखा गया है। यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन छूट भी मिलेगा रूल के हिसाब से। एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पे आप ध्यान रखिए, ओनली फीमेल कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी महिला लोग हैं यूपी के अंदर वही लोग यहाँ अप्लाई कर पाएंगे, जेंट्स यहाँ अलाउड नहीं है। यहाँ आपको प्लस टू मांगा गया है, इंटरमीडिएट एग्जाम को पास किया आपको होना चाहिए। आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं तो वहीं का रेसिडेंट आपको होना चाहिए, विलेज, वार्ड, न्याय पंचायत, तो वहाँ का रेसिडेंट आपको होना चाहिए जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं। एप्लीकेशन फ़ी अनरिजर्व के लिए भी पैसा नहीं है, ना रिजर्व कैटेगरी के लिए पैसा है, किसी को भी पेमेंट यहाँ पर नहीं लगेगा। तो अगर आप एप्लीकेबल होंगे यहाँ अप्लाई करने के लिए तो जल्द से जल्द जाकर यहाँ पर जरूर अप्लाई कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इससे इन्फॉर्मेशन मिला हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।